नहीं सर, तो एक मिनट, कौन सा ग्रुप है उसका? मेरे को ए पॉजिटिव है बेटा। नहीं मिल रहा क्या सर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि उसको वो, मैं दवाइयों से कवर कराया है, मैंने वो कराऊंगा। मैंने एक बार और हो गया था तो मैंने उसको खिलाया पिलाया और अच्छी तरह से, और उसका मतलब वो खाना खाती नहीं है, निकल जाती है। उसकी ऐसी आदत है, इस वजह से उसकी ऐसी चीज तकलीफ हो रही है। कुछ भी चीज मेरी चाहिए उसको तरफ है निकलना सर। है, उसको निकलना है, उसकी आदत हैबिट में आ गया है। तो कुछ ना कुछ समस्या रहती है, वो तो फैमिली रिलेटेड है। आप अपना करिए, मैं अपना देख लूंगा। लाल आप ये क्वेश्चन बताइए, मैं डाउट भी सेंड करिए मेरे को फटाफट ऑन द स्पॉट। डन सर। डाउट डाउट सेंड करिए, डाउट सेंड करिए। डन व्हाट फॉर व्हाट, डाउट सेंड करिए अपने। मेरे हिसाब से पता, कोचिंग जो है ना ऑनलाइन ही रहना चाहिए, और पता ऑफलाइन क्यों, स्कूल खुलना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस ऑफलाइन रहना चाहिए, कोचिंग ऑनलाइन ही रहना चाहिए। बहुत टाइम बच जाता है इधर उधर जाने से, काफी एक्सीडेंटल केस बचेंगे, ट्रैफिक वगैरह कम लगेगा, है ना। कितनी अच्छी लाइफ रहेगी। अरे सर आप पर कॉलेज लेकिन खराब सर हो हेल्थ जाएंगे पे घर तो पे, इफेक्ट किस पड़ता है ना। चीज का हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है। नहीं सर, अरे सर आंखों आंखों सर, पे सर, सर पे आंखों पे सर पे कोई इफेक्ट नहीं और सर पड़ता। बीच तुम बीच में गेल, सर नेटवर्क की नहीं दिक्कत। नहीं वो बात पता क्या है, गेल कभी गेल, वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तो तुम सही नहीं समझ पा रहे हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो आप लोग की वजह से होता है। सर मैंने आपको भेज दिया है सारा। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। मैंने भी सर, मुझे क्लास में बेटा तुम में और सार्थक जी है ना, सार्थक पीछे हो गया है, आप आगे चले गए बेटा सार्थक से। क्लास में ऐसा हो रहा है क्योंकि सार्थक फालतू बातों में बहुत ध्यान दे रहा है आजकल, उसको सर बहुत चिंता है सबकी। इतना ही डाउट है ना सर सबके। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है साहब। सर आनंद बोल रहा हूँ आनंद बोलिए। सर। मैंने अभी अभी आपको मैं भेज दिए सर, वो क्वेश्चंस मैं दिन में भूल गया था। अभी भेज दिया आपने, मैं देख लूंगा बेटा, ठीक यस है, यस सर, अभी अभी भेज रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख लूंगा। ओके यस सर। और भेजिए डाउट जल्दी से। ट्वेंटी फोर्थ भी डाउट है, 25 भी डाउट है। ठीक है सेम है आदित्य, 23rd भी ठीक है। और जल्दी से बोल दीजिए, आपके पास बस 2 मिनट और हैं, जल्दी डाउट बता दीजिए। और किस किसके डाउट है, ऋषि चतुर्वेदी आपका एक भी नहीं मिला बेटा। सर मेरा कुछ सर थोड़ा, मैं आपको फोन करके बता दूंगा सर। एक्चुअली सर थोड़ा सर पर्सनल है सर, फोन करके बता कोई दूंगा। परेशान नहीं हो, पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, परेशान नहीं हो। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 21 गलती से भेज दिया, उसमें आ गया मुझे वो कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई थी सर। 21 आपने भेज दिया है, बाकी किसी का डाउट है नहीं, 21 आप ही का है। अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तुम लोग का एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होना चाहिए था। मेरे को बहुत, तुम लोगों ने सब बहुत ज्यादा तुम लोगों ने डिसअपॉइंट किया मेरे को, यहाँ पर सीरियसली बोल रहा हूँ। सर मेरे को सर बस एक आखिरी में इक्वेशन एक भी निकाल नहीं क्वेश्चन पा में रहा डाउट नहीं आना चाहिए था, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ भी, बच्चों वाले क्वेश्चन कैसे डाउट आ गए, मैं समझ में नहीं आ रहा। मेरे को खुद अपने पढ़ाने में शर्म आ रही है, सर मैंने ऐसे कैसा पढ़ाया कि आप लोगों को डाउट उठ गया। डाउट उठना अच्छी बुरी बात भी होती है, अच्छी भी होती है, लेकिन जहां पर डाउट नहीं उठना चाहिए वहां डाउट उठ जाए। हाँ ये भी मान सकते, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो सबका दिमाग मेरे को एक जैसा दिख रहा है। अरे सर, सर जब मैं डाउट नीचे नहीं तक, पूछते तब आप गुस्सा होते हो, जब पूछ ले तब भी आप नहीं गुस्सा नहीं हो मैं जाते। गुस्सा इसलिए नहीं हो रहा, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि जो चीज आपको आ सकती है वो पूछो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पूछ बताने, मैंने कभी दिक्कत करी। मुझे बस ये दिक्कत हो रही है कि मेरे को थोड़ा सा लगते को, टीचर को थोड़ा उम्मीद रहती है कि ये बच्चे कर ले जाएंगे,
मेरे को उतनी दिक्कत है इस लड़के की हाइट 6 फुट 6 इंच है, ये 4 फुट का बेरियल नाक जाएगा, ठीक है, पार कर जाएगा उसको, जंप कर जाएगा, लेकिन वो डिसअपॉइंट कर दे तो फिर थोड़ा तो लगता है ना यार। तो बोल, मैं आज बता दिया, आज के बाद नहीं बताऊंगा आप लोग को ये बात, मेरी पर्सनल बात शेयर कर दी आप लोग से, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को, मैंने भी गलत कर दिया, सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना। मुझे लगा कि आप लोग कर ले जाओगे, उम्मीद थी तो इसलिए बोल दिया था। सर मैं नीचे तक तो सर सही गया, लेकिन सर आखिरी में सर 2 लाइनों में सर प्रॉब्लम हो रही बस। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्व करने के लिए। फिर हमेशा गलत आंसर आता है सर, इसलिए मैं डाउट पूछती। नहीं डाउट पूछना है, मैंने गलती से बोल दिया ये बात, वो अंदर रखने थी चाहिए थी मेरे को बात, वो मैंने बोल शेयर कर दी, वो तो दिमाग कहीं रहता तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। टीचर थोड़ी उम्मीद तो रख सकता ना आप लोग से, नहीं रख सकता टीचर से आप पूरी उम्मीद रख सकते हैं, टीचर थोड़ी तो उम्मीद रख सकते ना, 1% उम्मीद ही रख सकता। यस रख सकते सर, तक कोई डाउट नहीं है आपकी वजह से, इतने लगा लिए नहीं तो पूरी एक्सरसाइज डाउट हो जाए। अच्छा पूरी एक्सरसाइज डाउट वालों की उम्मीद नहीं, नहीं वो तो आपकी वजह से इतने लगा लिए नहीं तो एक्सरसाइज तो आधे से ज्यादा तो होते, स्कूल वालों से उम्मीद रख के बैठते। स्कूल वालों की उम्मीद तोड़ते की आप लोग की। सर तक कोई डाउट नहीं है बेटा, सार्थक अब जी गुमसुम बना बैठा रहेगा, मेरे को बहुत टेंशन होती है ऐसी, पता नहीं क्या है। सार्थक बोलो अब, कोई डाउट नहीं है सीरियसली, मैं चलूं फिर आगे, इतना ही है डाउट फाइनल, इसके बाद फिर अगला स्टार्ट हो जाएगा 4.7। आज मैंने फोन रिसीव नहीं कर पाया तो क्योंकि डाउट, इसका डाउट भी मेरे पास नहीं है, एक आध तो डाउट भेजता है यार। चलिए कोई बात नहीं। 20 सर। हाँ बेटा बोलो। सार्थक सही बात पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट समझ में नहीं आया। डिस्क्रिमिनेंट समझ में नहीं आया, उसी वैसे नहीं हो पा रहे हैं। सार्थक जरा एक बार ध्यान देना, जरा एक चीज ध्यान दे। अच्छा ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट समझ लो एक बार, सबके सब ध्यान दे लो, सब समझ लो एक चीज, फिर अपन आगे चलते हैं। ये बहुत बच्चों का डाउट है इसलिए ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये क्वेश्चन उठते ही नहीं। D जब इक्वल टू जीरो होता है, सबसे पहला ये बात कर लेते हैं, जब D इज इक्वल टू जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो हो जाता है, तब हमारे रूट्स कैसे आते हैं? इक्वल इक्वल तो मैंने बोल दिया आपने मुझे, इक्वल आते हैं लेकिन कैसे इक्वल होते हैं सर? जैसे 2 और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी होती है, एक एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होती है। जीरो, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये बात भी सबको पता होगी। अगर उसने तुमसे बोल दिया कि रूट्स इक्वल है तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो है, क्या दिक्कत थी इसको समझने में? अगर उसने तुमको ये नहीं दिया, वो है नहीं देगा, वो नहीं देगा, नहीं देगा, ये बात लिख के ले लो मेरे से, नहीं देगा वो, लिख के लो, तुमको ऐसे ही बोल देगा अगर रूट्स इक्वल है, बस रूट्स इक्वल हैं, रूट्स रियल हैं। अरे भैया रियल तो दो के रहते ही हैं, रियल रियल हटा दो, रियल रियल है ठीक है, चलो रियल तो रहते ही है, कहाँ रहते, दो जगह रहते, किस जगह रहते, एक इस जगह रहते, एक इस जगह रहते, दो जगह तो रहते रूट्स, रियल तो रियल तो रहते, ठीक मान लिया आपकी बात, रियल रहते हैं ठीक है भाई, रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, मतलब बात बन गई थी यहां पर। अरे तरसते हैं बच्चे किस चीज के लिए कि भैया ये भगवान मेरे को डिस्क्रिमिनेंट जीरो मिल जाए, क्वेश्चन में बच्चे सर्च करते हैं क्या इक्वल रूट से, यस डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, हाँ इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, बी का क्वाली बहुत जल्दी आ जाएगी मेरे पास। बच्चे तरसते हैं एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट भगवान जीरो का क्वेश्चन आ जाए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, कहीं हमें दिक्कत नहीं आएगी, उससे क्या है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होती है, इक्वल टू जल्दी पहुंच जाते हैं उस साइड,
ठीक है, ये क्वेश्चन तुमने मेरे को डाउट में दिए ना तुम लोग ने, अभी देखो तुम लोग से कराता हूँ बैठ के, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ तुम लोग का, बस देखो सामने देखो, पेन कॉपी तैयार रखना, पेन कॉपी तैयार रखना, जो क्वेश्चन तुम लोगों ने दिए ना मेरे को मैं तुम्ही लोग से करवाऊंगा अभी यार, अभी बैठ गया अभी करेंगे, और समझिए आप ही करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो है इसका मतलब रूट इक्वल है जी सर, जब बात ऐसी आ जाती है तब आपको बहुत खुशी मनानी चाहिए, पटाखे फोड़ने चाहिए घर में, कैसा क्वेश्चन आया था मेरे पास, ठीक है, ये बात ध्यान रख लो, बहुत अच्छा होता है डिस्क्रिमिनेंट जीरो मिल जाता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है जो कोई नहीं बताएगा तुमको, तुमसे इतना बोल देगा रूट इक्वल है, तो मान लो के बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू जीरो है, सही है क्या सर, लिखना पड़ेगा क्या सर, अगर इक्वल रूट्स का आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो के सर डायरेक्ट जीरो पुट कर देंगे, डायरेक्ट पुट कर जी लिखेंगे आप, सिंस या वी नो डेट कुछ भी अपने मन से क्या हम जानते हैं ये, क्योंकि इसलिए ये वर्ड दस, ये वर्ड तो बहुत मतलब नॉर्मल है, ये बात तो आपको याद रखना चाहिए बेटा, आप मैथ में बात कर रहे हो किसी से, मैथ्स में बात करना जीरो कहते हैं, आप मैथ्स मैथमेटिक्स में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, किससे, क्वेश्चन से, किसने दिया, आर डी शर्मा ने दिया आपको, वो कहां से लेके आया, उसकी भी सर्चिंग होगी बेचारे की, उससे आप बात कर रहे हो, ऐसा सोचिए कि आप वो बुक से बात कर रहे हो, इमेजिन करिए कि आप उस किताब से बात कर रहे हो, उसने मेरे को क्वेश्चन पूछा, ये किताब को अपना मान लीजिए कि ये कोई है तुम्हारे सामने बैठा हुआ, उसने मेरे को दिया था, किसने दिया था, किताब ने दिया था, हम लोग भी ऐसे बोलते हैं, उसने अपन को क्या दिया है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कितनी बार बोलता हूँ ये बात, क्लास में कम से कम पूरी क्लास में मेरी ये बात चलती रहती है कि उसने मेरे से ऐसे बोला, उसने अपन को क्या दिया है झाड़ तक, और ऐसे बोलता हूँ कितनी बार बोलता हूँ, कभी सुना भी होगा आप लोग, ध्यान दिया इस बात को, यस सर, मैं वो आर डी शर्मा से बात कर रहा हूँ, वो आर डी शर्मा क्योंकि मेरे को वाली पिक्चर नहीं बनानी वाली चंद्रमुखी कि उसने देख चंद्रमुखी किताब पढ़ी और चंद्रमुखी बन गई, मेरे को आर डी शर्मा बनना है, उसके उसके बात करनी है उससे मेरे को, उसके दिए हुए क्वेश्चनों से बात करनी है मेरे को, मतलब मैं आर डी शर्मा से बात कर रहा हूँ कि आर डी शर्मा जी आगे खुद बैठ जाए तुम्हारे सामने और क्वेश्चन तुमको देते रहे, तो तुम क्या कहोगे, सर आपने मेरे से ऐसा पूछा था तो उसका आंसर ऐसा आया, तो यही तुमसे पूछ रहा है, कोई सर है तुमसे ये पूछ रहा है, संजय सर तो समान मीडिएटर है एक, कि तुमको जस्ट एक बुक का उठा के तुमको दे रहा है, कुछ बनाने वाला तो ये बादशाह है जो वंदन जिसने बनाई है, उसको इक्का बोलना चाहिए, बादशाह भी बहुत छोटा हो गया, ठीक है, उससे बात करा करो, क्वेश्चनों से बात करा करो, क्या बोला था उसने, इक्वल रूट्स बोले थे, अच्छा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो बोला था उसने मेरे से, अच्छा तो क्या होगा भैया, ये ऐसे करके बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का फॉर्मूला आके मेरे पास इक्वेशन दी होगी लंबी सी, मैं उसको पहले अगर एक्स स्क्वायर, अगर जे जनरल फॉर्म में नहीं होगी, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, इसमें कन्वर्ट करूंगा मैं उसको, मैं इसमें लेके आना है मेरे को, सिंपल सा एक मेथड है, बार बार बोल रहा हूं समझ जाइए, मेरे को इस फॉर्म में इक्वेशन लेके आनी है, दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, इसी इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस का फोर एसी इज इक्वल टू जीरो कब हुआ है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो कब हुआ है, जब रूट मेरे इक्वल है, इतनी सी बात समझ लीजिए इस साइकिल को, रियल तो रहेंगे किस कंडीशन में, जब रूट्स इक्वल होंगे तो रियल तो रहेंगे ही, ये बात तो सही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट जीरो भी बना रहे हैं मेरे, ये बात भी ध्यान रखना है, एक्स की दो वैल्यू आएंगी लेकिन दोनों वैल्यू सेम होंगी, ये बात भी ध्यान रखनी है, ये बात यहां एप्लीकेबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये पूछा ही नहीं जाएगा तुमसे, तुमसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी जाएगी, इसके बाद सॉल्व करके तुम्हारे पास जो वैल्यू आए तो मेरे से बात करना, इसके बाद जब वैल्यू पुटअप करने का मौका ही नहीं मिलेगा, बहुत कम मौका मिला होगा इसे पुटअप करने का, पहले तो मैं इसमें बना के इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के बाद देखना पड़ेगा इक्वल रूट्स बोल रहा है, तो फिर चल देना पड़ेगा उसी रास्ते, बात दिमाग में बैठा लो, क्या बैठाओगे,
एक इक्वेशन नच रही है बीच में, इसको कंपेयर करवा देंगे सर और ए और बी की वैल्यू निकाल के सॉल्व करके सराउंडिंग क्या है, क्या क्या नच रहा है। एक बात करेंगे पहले अपन, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो क्या नच रहा है इसमें, रूट्स इक्वल होंगे। पहली बात। दूसरी बात, रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है, रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल होंगे मतलब एक्स की दो वैल्यू निकलती हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक वन होगी तो दूसरी भी वन होगी, मतलब रूट्स इक्वल होंगे। कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। छोटी सी बात है, ध्यान रख लो, भूलना नहीं है, ठीक है। अब बात दूसरी कर लेते, अब बात आती है इसकी, इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इट मींस क्या, इक्वेशन है इस फॉर्म में लेके आनी है, कोई भी इक्वेशन हो बेटा देख लिया करो, एक्स स्क्वायर के एक्स और एक कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है, करना ही है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने बोला है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या है, रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे। ग्रेटर देन जीरो आएगा थोड़ी परेशानी तो होगी, मतलब बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। सर जरा फिर से समझ सकते सर इसको, सर यहाँ पे इक्वेशन की बात से, सर फिर से देखो पूरा, देखिए फिर से, एक इक्वेशन है जो कि आपको पूरे में डांस करा रही है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपको डांस करा रही है, और आर डी शर्मा जी आपको डांस करा रहे हैं, आप परेशान हो गए, इनने परेशान कर दिया आपको, नहीं ये इक्वेशन थी, उनकी मजबूरी थी ऐसे क्वेश्चन बनाने की, तो उन्होंने बनाया कि आपका डाउट क्लियर हो चुके, हर डाउट आपका उठना ही बंद हो जाए, क्यों, इक्वेशन सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी हमको, चाहे इक्वेशन कैसी भी लिखी हो। देखो वन प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एम सी एक्स प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तुमको कितना परेशान किया जा रहा है, देखो जरा तुमको कितना परेशान किया जा रहा है, यहां देखो सिर्फ अपना, सिर्फ अर्जुन बनो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, बस सिर्फ अपनी एक ही चीज देखनी है आपको, ये चीज बस, ये तो देखना है, एक्स तो नहीं है कहीं पर, एक्स स्क्वायर तो नहीं है, बस नहीं है, देख लीजिए, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस, क्या प्रॉब्लम है इक्वेशंस में। अब हमारे पास इधरी पर बोल दिया फालतू बात है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, रूट्स कहते हैं, डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है, बहुत परेशान होगा, अरे यार डिस्टिंक्ट रूट है, टेंशन में आ गए, क्या होगा हमारा, डिस्टिंक्ट रूट है, सबसे पहले तो इसको लिख लिया करो, जीरो से बड़े होंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, समझो जरा, क्वेश्चन मत देखना ये कहां से उठाया मैंने, आरडी शर्मा बंद कर दो या उठा के साइड में रख दो, ठीक है, अभी मेरे को फॉलो करो यहां पर, फिर उनको उठाना, ठीक है, डी स्क्वायर d इज इक्वल टू होता बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये बात होती है। अब डिस्टिंक्ट रूट आ गया, डिस्टिंक्ट रूट आ गया तो क्या करोगे, d इज ग्रेटर देन जीरो है, ये बात तो तुमको क्लियर हो गई, कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, इसकी जगह लिखा मैंने, देखो जरा इसकी जगह लिखा मैंने, देखो जरा बात को देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इज ग्रेटर देन जीरो, डी की जगह लिखा मैंने, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, मैंने उसकी जगह लिखा है, देखो जरा बात समझो मेरी, मैं डी की जगह लिख रहा हूं, घूमना नहीं कोई भी, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया,
जैसा था वैसे लिख दिया, बस कहानी इतनी सी। जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होता है सर। हाँ रियल एंड डिस्टेंट रूट्स का क्या मतलब कि कुछ क्वेश्चन में दिया है रियल एंड डिस्टेंट रूट्स। रियल एंड डिस्टेंट रूट बेटा, रियल तो मैंने बोला ना, ये दो बच्चे हैं मेरे, कौन से d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, देखो जरा। नहीं सर क्वेश्चन सर एक ही साथ दिया है, रुक तो जाओ, 0 और d इज इक्वल टू 0, दोनों केस में रियल होते हैं, इस केस में इक्वल होते हैं, इस केस में डिस्टिंक्ट होते हैं। आ गया सर आ गया, थैंक यू सर, बनने लगे समझ में आ गई होगी। हाँ सर। अब आप ही लोग उठाएंगे क्या, मैं चाह नहीं रहा था ऐसे पढ़ाना, मैं सोच रहा था कि जहां तक तुम लोग क्लियर हुआ होगा, एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई थी, लाइन से पढ़ाया था आपको, रैंडमली पढ़ने का शौक है तो जैसा बोर्ड पे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन मैंने यहाँ पर भी कोशिश करा है छोटा सा आप लोग को सिखाने के लिए, ठीक है। बोर्ड पे होते तो अभी तक क्लास का कोई बच्चा इधर से इधर गर्दन नहीं हिला पाता, तो वो बहुत जल्दी समझ में आता। मैं क्या है, बोर्ड पे नहीं हूँ ना, अभी क्लास नहीं है ना, सामने दिख नहीं रहे, मैं क्लास की एंट्री बहुत हो जाती है मेरी। आ गया सर, सबसे आखिरी क्वेश्चन वो कोशिश है सर, बन गया सर। अब मेरे को बताइए, थैंक यू क्या बेटा, मेरा फर्ज है ये। अब मेरे को बताइए, जो जो क्वेश्चन डाउट में दी हुई है, शगुन जिसके जिसके भी आए हैं, हाँ शिखर बेटा क्या बोलना चाह रहे, पहले बोल दो सर। वो जो जब हम लोग मैथ के सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट में हम लोग जैसे ऊपर एक बिंदी और नीचे दो बिंदी, उसको देयरफॉर कहते हैं नेट्स के, उसे बोलना सर। एक मिनट सर, जो ऐसे ऐसे और ऐसे करके होता है वो देयरफॉर होता है। हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छी बात बोली, इसको कहते हैं, सुनो सुनो, इसको कहते हैं सिंस। यस सर यही पूछना था, ये होता है देयरफॉर, ठीक है, ये आपका देयरफॉर होता है, ठीक समझ में आ गई बात। जिसको कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट, इसके बाद ये स्टेप आएगा। यस सर ठीक है, आगे सर साइंस को समझ जाओ। इंप्लाइज साइन हो गया सर, जहां से अपन लोग क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं वो वहां से लगाना शुरू करते हैं, नहीं जहां से आप सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं वहां से दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगता है। हां सर मतलब वही सर, सॉल्यूशन की पहली लाइन से ही, सॉल्यूशन की पहले लाइन से ही दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगता है। आंसर के जहां से आपने उनके दिए हुए क्वेश्चन में कुछ किया है उधर से ही आपका इंप्लाइज दैट का साइन लग जाता है, ठीक है। और सर ये पूछा सर, वो क्वेश्चन के नीचे अकॉर्डिंग टू की स्टेटमेंट लिखना की जरूरी होती है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लिख दोगे गिवन हमको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन फ्रॉम द गिव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन, अच्छा लगता है बेटा, ऐसा लगता है कि आप वाकई में कुछ बनने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, कि हम ऐसा कितना अच्छा लगता है, हम किसी को समझाते हैं, सोचो जरा कुछ सोचो, थिंकिंग रखो अपने दिमाग में, हम किसी को समझाते हैं, ऐसे मैं तुमको समझाता हूँ बेटा, जैसे क्वेश्चन सुनो, फायदे हो गए सर स्टेज में अगर डाउट्स भी क्लियर हो गए, नहीं जो तुमको हो गया वो क्लास में ना बोला करें, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ बस वो सुनो, तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैंने तुमको समझाया सर मेरे को ये डाउट है, मैंने क्या बोला बेटा हमको जैसे कि दिया हुआ है ये, मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ ना हमेशा, जैसा कि बेटा उसने हमको दिया है क्वेश्चन में, जैसे हमको गिवन है, ठीक है, वी है या वी नो डेट, ये तब यूज करते हैं जब उस कॉन्सेप्ट का पता है कि वी नो डेट, यहां पर कि हमको पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म, तो वहां पर वी नो डेट का यूज करते हैं, वी नो डेट द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, देन इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी 23 क्वेश्चन मेरे सामने दिखना चाहिए, 20 वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सब, 20 वाला क्वेश्चन लगाइए जल्दी, 20 क्वेश्चन सब लगाएंगे, एक बार लगाया हो तो एक बार और लगाइए, 20 क्वेश्चन सब लगाएंगे सर, 20 वाला।
20 जिसका भी डाउट हो 20 क्वेश्चन लगाइए मेरे सामने, मेरे सामने लगाइए, कैसे नहीं आया, कैसे नहीं आया तुमको, तुमने कुछ ना कुछ इससे छेड़छाड़ कर दी है, तुम यहां से गलत कुछ ना कुछ भूल चुके हो, करिए जरा। क्या बोल रहा है, इफ द रियल, इफ पी क्यू आर द रियल, अरे रियल तो होंगे ही, तुम बगैर रियल के इमेजिनरी थोड़ा क्वेश्चन दे दोगे, यहां पर इमेजिनरी क्वेश्चन कितने दे दोगे, तुम तो पूरे क्वेश्चन इमेजिनरी पटक दोगे क्या, तो पागल हो क्या, कोई पागल नहीं होता इतना बड़ा कि तुम्हें इमेजिनरी क्वेश्चन देता पड़ेगा, ठीक है। तो रूल्स रूट्स एक रियल ही होंगे, ठीक है, रियल नंबर्स पढ़े हो ना, रियल उसी से रियल आया है, इमेजिनरी और रियल अलग अलग चीजें होती, रियल नंबर्स में फ्रैक्शंस में आ जाते थे, इरेशनल आ जाते, रेशनल आ जाते थे, कितने कितने नंबर आ जाते, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, सब पढ़ाया तुमने रियल में, मतलब रियल में ही बात करेंगे और मैथमेटिक्स में ज्यादातर, तो रियल से घबराना नहीं। आगे वाली बात बोलिए आप क्या कह रहे हो हमसे, ठीक है, p is not equal to q, ठीक है भैया, then show that the roots of the equation this, देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है, आर रियल एंड अनइक्वल, जब अनइक्वल होंगे तो सीधी सी बात है अनइक्वल तो तभी होंगे ना डिस्टिंक्ट होंगे, खत्म हो गई ना बात, रूट तो तभी अनइक्वल होंगे जब डिस्टिंक्ट होंगे, हैं? यस सर, हाँ घुमा के बात क्यों कर रहे हो, दैट वी डेवलप आई है सर, बस एक मिनट बाद, क्या सर कोशिश कर रहे हैं सर उसको लगाने की, फिर अगर नहीं आया तो पूछेंगे, हाँ लगाइए लगाइए, मैं तुम लोग से लगवाऊंगा, अरे भैया तुमने सीधी बात बोल दी अनइक्वल, अनइक्वल हो तुम थोड़ा बड़ी बात थोड़ा बोल दी, घुमा के बोल दी बात तुमने, अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, डिफरेंस रूट्स, रूट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अनइक्वल, अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डी इज ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, खत्म बात हो, लगाइए इसके आगे अपना दिमाग, काफी दिन हो गए यार बच्चे ऐसे डाउट पूछते हैं तो। हेलो सर, हाँ बेटा बोलो सर, मेरे में आखिरी में एक इक्वेशन बन के आया सर, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा सर क्या लिखूं सर, आप एक बार बता दीजिए क्या इक्वेशन क्या आई आपको, 20 वाला है, 20 वाला है, हाँ सर जो आपने अभी 25 ब्रैकेट में p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस 8 ब्रैकेट में p माइनस q का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यस सर, क्या लिखोगे बताओ, खुद बताओ पहले, hence the roots are real and unequal, p is not equal to q बोला है उसने, जरा ऊपर जाओ थोड़ा सा, अब यहां तक आ गए तुम, बिल्कुल सही आए तुम, अब उसे छोटी सी बात तो याद करो, सिंस p इज नॉट इक्वल टू q, मतलब p और q इक्वल नहीं है, मतलब p अलग नंबर होगा q अलग नंबर होगा, यस सर, बात समझ में आई, यस सर, तो p एक अलग नंबर होगा, q एक अलग नंबर होगा, p और q आकस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो इसका yes. मतलब कोई नंबर आएगा, आएगा कोई भी नंबर आएगा वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर, समझ में आई, यस सर, हाँ, p इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना बेटा, p और q आपस में इक्वल नहीं है, उसने बात बोल दी अपन से ऊपर, p और q आपस में इक्वल नहीं, p और q रियल है p और q, लेकिन इक्वल नहीं है आपस में, यस सर, ठीक है सर, लेकिन स्टेटमेंट क्या लिख दूं सर, ये लिख दूं सर, बिकॉज दे आर द परफेक्ट स्क्वायर एंड द वैल्यूज विल, यहां पर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है आएगा, क्योंकि जो 8 का मल्टीपल है वो 25 का मल्टीपल है, इसमें जो नंबर आएगा 25 के मल्टीपल में ही आएगा, वो 8 के मल्टीपल में आएगा और नंबर प्लस हो जाएंगे, नंबर 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो रियल नंबर, हाँ बेटा सगुन बोलिए, हो गया सर, कहाँ तक आया, पूरा हो गया सर, आ गया सर, लेकिन मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, बस खत्म, बस इतनी तो बात मांगी थी उसने, क्यों है ऐसा, देखिए जे 25 के किस में आ रहा है, मल्टीपल में आ रहा है ये वन, जे जो इसमें आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, 8 p माइनस q का स्क्वायर इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, ये आ रही है सबकी, ये क्वेश्चन आई,
दोनों अलग अलग आएंगे ठीक है, तो ये तो हमेशा किससे होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा, लेस देन जीरो हो ही नहीं सकता। तो हमारा रूट्स कैसे होंगे, इक्वल अनइक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे, बस खत्म हो गई बात। आगे पहुंचिए 21 में पहुंचिए जल्दी से, आप ही लोग लगाएंगे, मैं भी बैठा हूं। हां पर ये हो तो क्या, ऐसा कुछ मुझे स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखूं इसमें। इसमें आप लिखेंगे हेंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्व कर लेंगे बी की वैल्यू निकाल लेंगे जब ये वाली क्वेश्चन आई उसके नीचे। हाँ उसके नीचे तो आएगा बेटा, उसका ही स्टेटमेंट लिख दो ना, यहाँ तक लिखने के बाद उसका स्टेटमेंट लिख दो ना, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज अ रियल एंड अनइक्वल रूट्स, बस खत्म। उसी की बात तो लिखी मैंने, मैंने अपनी तरफ से कुछ लिख दिया होता, शो करना था सो बस यही तक ही करना है अपन लोग बस। और पी इज नॉट इक्वल टू क्यू है इसके ऊपर बता देना, Since P is not equal to Q, P Q के इक्वल नहीं है इसलिए ये बात बन जाएगी हमारी आराम से। ठीक है सर। ट्वेंटी फर्स्ट करिए, इक्वल भैया D is equal to zero हो जाएगा भैया। बताना मेरे को कहां पर अटके हो, मेरे स्टूडेंट्स हो के तुम लोग सॉल्व ना कर पाओ। सर वो क्या क्वेश्चन, मेरे स्टूडेंट्स हो यार ऐसे कैसे अटकोगे, मैं अटकने नहीं दूंगा तुम लोग को, तुम लोग से करवाऊंगा, तुम्हारी उलझन तुमसे सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन तो सर अब आ गया सर, वो इसमें थोड़ी स्टेशन प्रॉब्लम करती है सर। स्टेटमेंट में बेटा वही लिखा जाता है जो ऊपर, ऐसे मैंने तुमसे कोई बात करी सार्थक ये बात है तो तुम बोलोगे सर ऐसे से ऐसे जाना है आपको, यहाँ से जाके यहाँ से मुड़ जाए, कुछ पूछा है मैंने तुमसे जस्ट लिखने को तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, वो पढ़ने वाला कुछ नहीं है और इंफॉर्मेटिव हो जाएगी सर। मैथ्स में पॉइंट टू पॉइंट बात चलती है। नहीं सर क्वेश्चन की जो लाइंस रहती है जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हां वही 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 मैंने लिखी, कुछ क्या लिख दिया मैंने, नहीं सर जैसे कि सर अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन की लाइन सॉल्यूशन में कॉपी कर देना, ऐसा कुछ क्वेश्चन की सर लाइंस बड़ी होती है तो सर वो तीन चार वो दो तीन। अरे ऐसे नहीं यार सार्थक यार, तुम यार पॉइंट क्यों नहीं उठाते यार, पॉइंट उठाना नहीं आता क्वेश्चन में से। नहीं सर उसने बात क्या बोली वो पकड़ा करो ना बेटा, उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि शो करना है कि डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, बस इतनी सी बात बोली है तो हमने प्रूव कर दिया और नीचे लिख देंगे हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर द रियल एंड अनइक्वल, बस इतनी सी बात है। मैं पूरा लिखूंगा क्वेश्चन में, इफ पी एंड क्यू आर द रियल पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, इतना तो कर चुका अंदर में, देख लो जाके अंदर जाके, तो मैं एंड की बात पे बात करूंगा मैं तो तुमसे क्वेश्चन में। ठीक है सर। सर एक चीज आया फोन पे पूछने, फिर सर फोन पे पूछ लूंगा क्या बाद में, मैं तुमने मना करा है। अरे नहीं सर अभी सर आप कह रहे ना आपके हमें फैमिली मैटर था तो सर मैं नहीं वो कुछ नहीं था, वो कोई फैमिली एमली मैटर छोड़ दिया भूल जाए करो, मेरी मतलब वो मुंह से निकल जाता है मेरा, मैं बता रहा था जस्ट कि फोन पे रिसीव नहीं कर पाया दिन दो बेटा ऐसी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं पर्सनल और प्रोफेशनल को मिलाता नहीं हूँ कभी, ठीक है मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग करना चाहिए। अटक कहाँ पर रहे हो बंधु? सर मेरा ये आया सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू सर थ्री ए बी सी, सर अब क्या लिखूं सर? ये आ गया तुम्हारा? यस सर अब क्या लिखना है? हाँ सर मेरा भी आ गया, हैंस प्रूफ खत्म, हैंस प्रूफ खत्म। हाँ बस सर इतना सर। सर मेरा उसके बाहर फोर ए आया है सर, उसके बाद से नहीं आ रहा। क्या आया है? फोर ए। एक मिनट एक मिनट सगुन रुकना दो मिनट, मैं लोग को बता दूं। हाँ इतना क्या कह रहे हो तुम लोग, क्या कह रहे हो? प्रूफ डेट करना आइदर जी इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो, इसमें क्या स्टेटमेंट लिखी है क्या बाहर, इसके आगे कुछ लिखा है क्या?
क्यों फालतू बंद में लिखोगे, हैंस प्रूफ लिख दो बस खत्म हो गई बात। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे पहुंचो जल्दी से। हाँ सगुन क्या कह रहे हो बोलो बेटा। सर मेरा यहाँ तक आया 4a, फिर ब्रैकेट में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका इतना तो पता है कि माइनस 3abc को इक्वल के उस साइड डाल देंगे तो फिर वो आ जाएगा, फिर 4a को कहाँ पे मतलब करें। 4a का 4 भेज दो उस साइड, कहो भैया जीरो हो गए तुम, ठीक है यहाँ पर अटक रहे हो। मैं हाँ। कहती तुम लोग से करवाऊंगा, तुम लोग करोगे अब बेटा ईमानदारी से करना, बस मैं सबसे इतना ही बोल रहा हूँ। तो ए भी तो बचेगा फिर, सर बन गया सर। उसके नीचे क्या लिखे वो नहीं आया सर समझ में, इसके नीचे एक मतलब था उसकी स्टेटमेंट। भाई उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, हेंस प्रूफ आएगा बस। उसमें स्टेटमेंट इसलिए नहीं आएगी, सार्थक सोचो जरा, कुछ बात ही नहीं पूछी उसने अपन से, उसने बोला इसको प्रूफ करो, कर दिया हमने प्रूफ, अब स्टेटमेंट क्यों लिखे। इसका पूरा क्वेश्चन में लिखना पड़ता है गिवन। मेरे भैया 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 भाई साहब, गिवन और टू प्रूफ, टू प्रूफ में वहां पर करवाता आया तुमको, ठीक है ना, ठीक है, जहां पर जो चीज की जरूरत होती वहीं तक करोगे ना यार, हर जगह करोगे। नहीं सर, तो सर वो मैं उस बात को लेकर थोड़ा संकोच में था। यहाँ नहीं करना है ना ऐसा, हर जगह अलग अलग वो है। अच्छा तुम गिवन लिख दोगे, क्या दिया हुआ है तुमको, गिवन तो लिखना ही पड़ेगा, टू प्रूफ क्या करना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, इधर भी लिख सकते हो, कोई रोक रहा है तुमको, बहुत अच्छा लगेगा तुम अगर लिखा, बस तुम्हारा टाइम बचेगा यहाँ पर, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। हाँ ये यहाँ पर अटक रहे हैं तो ये बात बताओ, फोर तो उधर पहुंच जाएगा, एक बात बनेगी ए इज इक्वल टू जीरो और एक बात बनेगी ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस का 3abc इज इक्वल टू जीरो, और मतलब इसको उधर पहुंचा देना बस खत्म हो गई, दो बातें बनी दोनों प्रूव हो गई। आगे चलो 21 लगाओ, 21 हो गया, 22 लगाओ, हो गया सर बाकी दो ही तीन बच्चों का आ रहा है बेटा, कोई बच्चा लीड नहीं कर रहा क्लास में, क्या सो रहे हो क्या, भग गए। 22 में भी आ गया सर, इसमें भी सर क्या इक्वेशन, बस हैंड्स प्रूफ लिख दीजिए बस, ठीक है ठीक है, एक मिनट शांत बैठना थोड़ी देर के लिए, दोनों करो आगे। रूट आर नॉट रियल, हैंड्स प्रूफ जी सर। आदित्य क्या कर रहे हो बेटा, अभी तक तो कुछ आया नहीं है क्या, 20 वाला हो गया सर, 20 वाला हो गया सर, 21 लगा रहे। और अनंत गौतम आप क्या कर रहे हो? यस सर। क्या कर रहे हो सर? 21 नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, कैसे किया सर? सही बोले सर, शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? शुरुआत भी नहीं कर पा रहे सर। करोगे तुम ही देखो सर। सर एक बार मौका दीजिए सर, करके लाएंगे। हैं? यस सर। करके तो लाओगे, करोगे कोशिश तो हो जाएगा। देखो करके लाओगे क्या, मैं तुमको दे तो रहा हूँ, तुमको बता तो रहा हूँ, देखो जरा यहाँ पर तो अभी करोगे बैठ के, इंटरेस्ट जगाऊ तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट, तुम सोए हुए हो थोड़ा जगा दूं तुम्हें, देखो अभी तुम जगोगे खुद करोगे। देखो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस का ए बी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए सी। अच्छा इक्वेशन कौन सी होती, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होती। यस सर। यस सर। अब बताओ कंपेयर करके मेरे को सर, ए होगा सर सी स्क्वायर माइनस ए बी सर। बोलिए सर, सी को बी स्क्वायर माइनस ए सी मानेंगे। अरे मेरी बात तो सुन लो जरा, तुमको बेटा इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मेरे को समझ जी नहीं आ रही यार, ये साफ साफ लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा कि जे ए हो जाएगा, ये बंदा चल के क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये भाई साहब चल के क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? बस एक दिक्कत आ रही है तुम जो कर रहे हो, मैं बता तो रहा हूं, यहाँ एक दिक्कत आ रही है, तुम दिमाग ही लगा पा रहे अपना। यहां लिखो ए एक्स स्क्वायर कैपिटल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी कैपिटल में, थोड़ा बड़ा और छोटा कर लेना, ठीक है। तो यहां पर ए इज इक्वल टू क्या आ गया,
सी स्क्वायर माइनस का ए बी, बी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का टू ए स्क्वायर माइनस का बी सी, और सी इज इक्वल टू क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस का ए सी ए सी। इनको काट मत देना, थोड़ा बड़ा लिख लो इसको, काट कूट दे रहे होगे पता नहीं क्या कर रहे, काट मत देना इसको दोनों को, सी से सी काट दो, मतलब ए इज इक्वल टू, मतलब बहुत गंदा लगेगा यार, लगेगा ही नहीं कि कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, लगना चाहिए जनरल को स्टैंडर्ड से बहुत मिला देना, जनरल को उससे नहीं मिला देना गिवन क्वेश्चन से। अब बताओ मेरे को क्या दिक्कत है, उसने बोल दिया मेरे से, क्या बोल दिया कि रूट्स कैसे हैं, कैसे हैं रूट्स, कैसे हैं रूट्स इक्वल हैं। अरे भैया बहुत अच्छी बात बोल दी तुमने, तो ये लो रूट्स इक्वल है, तू क्या बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस का टू ए स्क्वायर माइनस बी सी, कैपिटल में चलाना फॉर्मूला को, मर जाओगे नहीं तो बहुत कर रहे, ए फोर इंटू में सी स्क्वायर माइनस का ए बी इंटू में बी स्क्वायर माइनस का ए सी। सर सर हाँ सर, यहाँ पे सर कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है सर। क्या दिक्कत होती सर, मतलब सर यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे आके सर सॉल्व नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते सर, सॉल्व नहीं कर पाते सर ऐसे पॉइंट पे आके, इसके आगे क्या सॉल्विंग है देखो जरा, सबसे पहले तो इसको उड़ाओ, इसको पकड़ो, स्क्वायर हुआ तो फोर हो गया जी, ठीक है, प्लस का प्लस माइनस का प्लस हो गया, और इसका क्या हो गया, इसका स्क्वायर बचा। भैया जब जब भाई साहब अंदर को चलेंगे ना तो इस पे चढ़ जाएंगे और इस पे चढ़ जाएंगे, ये सर समझ में आई, ये भाई साहब जो बाहर बैठे हुए हैं भाई साहब हैं, जब अंदर आएंगे ना तो इस पे चढ़ जाएंगे और इस पे चढ़ जाएंगे, इस पे चढ़ के क्या बना देंगे इसको प्लस का फोर, और इस पे चढ़ के ये बना देंगे माइनस का फोर। अब इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो, बेटा ये तो सीखना पड़ेगा, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं सिखा पाऊंगा ये चीज। सर 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 लगाएंगे सर, वही तो कह रहे हैं, लगा इसके आगे आएगा आंसर। हाँ सब सर तक, अब सर ये सब 24 तक होगा सर, स्टेटमेंट टेक के भी नहीं है, सॉल्विंग सब की आ गई, सॉल्विंग सब की आ गई, मैंने ऐसे बता दिया। अब स्टेटमेंट सुनते जाओ मेरे से, एंड की स्टेटमेंट चाहिए नहीं तो पूरे की स्टेटमेंट बता दीजिए सर आप, तो मैंने सर डाटा सॉल्यूशन किया है। ठीक है हाँ शगुन तुम क्या बोल रहे थे और? सर तब से हाथ उठाए आपने, बेटा मैं इसको समझा रहा था ना अनंत को, हाँ बोलिए। कोई नहीं सर, सर ये बोल रहे सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मेरे सारे हो गए, उसमें मेरी जो इक्वेशन आई थी 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, उसमें मैंने उसको सॉल्व तो कर लिया, 4 उस साइड डाल दिया, 0 हो गया, तो जो एंड में इक्वेशन बनी है a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बनी है, तो सर जब माइनस को उस साइड भेजेंगे तो सर वो पॉजिटिव का होगा कि 0 हो जाएगा? क्या बोल रहे हो मेरे को समझ में, पहले तो इक्वेशन बोलना जरा। देखिए सर मेरी इक्वेशन बनी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, इसको मैंने पूरा सॉल्व कर लिया इज इक्वल टू 0। हां फिर जो इक्वेशन तो इसमें ये बनेगी, ये 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 सुन लो जरा, अब बोलो मेरे से क्या बोलना चाह रहे हो। हां यही बनी, तो फोर मैंने उस साइड कर दिया तो जीरो हो गया, तो सर सी उस साइड ले जाऊंगी तो प्लस का होगा ना। अब बताओ बोलो, ये तो प्रूव ही करना था। हाँ वो तो पता है सर, लेकिन जब मैं इस साइड इसको ले गई तो वो जीरो हो गया था, तो मेरा डाउट था कि कहीं ये भी जीरो ना हो जाए। देखिए जीरो हो जाएगा, अरे जीरो के साइड जीरो के पास कोई भी जाता है ना ऐसा नहीं, इनटू होके जीरो होता है, जीरो से जो इनटू होता है वो जीरो हो जाता है, जीरो के पास अगर उस साइड कोई जाएगा मिलने के लिए तो जीरो कहेगा जगह दे देगा अपनी, कहेगा मैं निकला जा रहा तुम मेरे घर में रह लो, इतना थोड़ा सा ऐसी बातों से याद रखा करो, क्योंकि सर ये ब्रैकेट के अंदर था ना इसलिए मुझे डाउट था। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है ब्रैकेट हो ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट क्यों एंड तक ले आते हो, इसलिए कह रहा हूँ अपनी कॉपी में तो आंसर है ना सर, ब्रैकेट में आंसर है